के इतिहास में पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपये में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है और इस गिरावट ने पूरे देश के होश उड़ा दिए हैं और विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला भी तेज कर दिया है। आलम यह है कि लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के पुराने वीडियो साझा करके हमला कर रहे हैं, लेकिन ये गिरावट हो क्यों रही है? 1947 में एक डॉलर की कीमत 4 रुपए होती थी, तो आज हालात इतने कैसे बिगड़ गए? इस रिपोर्ट में देखिए। रुपए की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। आलम यह है कि शुक्रवार को डॉलर 76.52 रुपए पर बंद हुआ था, लेकिन सोमवार को जैसे ही बाजार खुला तो सभी के होश उड़ गए और ये 21 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ खुला और सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 77.13 रुपए प्रति डॉलर पर खुला, जो इतिहास में पहली बार रुपए में इतनी गिरावट हुई है। हालांकि मंगलवार को रुपए में 20 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली और आज बुधवार को फिर से 12 पैसे की मजबूती देखने को मिली है, लेकिन ये हो क्यों रहा है वो हम आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि इस गिरावट और बढ़त पर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग पीएम मोदी के पुराने वीडियो शेयर करके हमला भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता ही रुपए की गिरावट पर सरकार को कोस रही है, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर सीधा हमला केंद्र सरकार पर किया है और कहा कि भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिरकर 77.47 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल के दामों को 100 रुपए और एलपीजी के दाम 1000 से ज्यादा बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। लगातार आप वजन बोझ मिडिल क्लास के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर डाले चले जा रहे, जबकि यहां आंकड़े स्पष्ट हैं कि जो 23 करोड़ लोगों को यूपीए ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, ना केवल वो 23 करोड़ वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, 14 करोड़ उसमें और बढ़ चुके हैं। विपक्ष तो हमला कर ही रहा है, लेकिन रुपए में लगातार हो रही उठापटक की वजह से निवेशकों का सुरक्षित ग्लोबल बाजारों में पैसा लगाने का फैसला है। रूस यूक्रेन युद्ध के यूरोप तक पहुंच जाने की आशंका और बढ़ती ब्याज दरों का असर शेयर बाजार पर पड़ रहा है। इसका असर रुपए के कारोबार पर भी देखा जा रहा है, लेकिन रुपए में ये उठापटक और कितने दिन जारी रहेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।